पर ब्लैक एंड व्हाइट जर्सी पर मौजूद है। दोनों ही टीमों पर नजर रखें तो मुन्ना ब्रदर्स टांगोरोला टीमों के खिलाड़ियों की सूची इस प्रकार है। गौरव मुखी जो कैप्टन की भूमिका में है, जर्सी नंबर 35 संजय बास्के, जर्सी नंबर 27 गोलकीपर की भूमिका में है। रायसन हंसदा जर्सी नंबर 15, राघव भोया जर्सी नंबर 14, बेसत हंसदा जर्सी नंबर 2, संजय मुर्मू जर्सी नंबर 6, सागन कंकिल जर्सी नंबर 8, राजा माधी जर्सी नंबर 4, विक्रम किस्कू जर्सी नंबर 7, रविराज मुर्मू फुटबॉल दे देंगे, रविराज मुर्मू जर्सी नंबर 9, शुक्रवार कंकिल जर्सी नंबर 3 और अविनाश कुजूर जर्सी नंबर 00। ये सभी मुन्ना ब्रदर्स के टीमों हैं। इसमें से जो आईसीएल जैसे प्लेयर्स जो आईसीएल में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, मिस्टर गौरव मुखी जो इस समय मुन्ना ब्रदर्स के टीम की ओर से जर्सी नंबर 5 में खेल रहे हैं, वो आईसीएल जैसे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इस समय मैदान में बने हुए हैं, पिछले मुकाबले में उन्हें शानदार एक गोल पाकर अपने टीम को बढ़त बनाई हुई थी। लीजिए बहुत ही जबरदस्त बहुत ही जबरदस्त गोल जर्सी नंबर 6 संजय मुर्मू के द्वारा। इस तरह से मुन्ना ब्रदर्स 1-0 की बढ़त बनाई हुई है संजय मुर्मू के जबरदस्त गोल के बदौलत। मुन्ना ब्रदर्स के टीमों का खिलाड़ियों पर नजर रखें तो ये सभी टीम लगभग नहीं राज्य स्तर से लेकर के एक नेशनल लीग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और बात ही बात बैकअप एफसी की बात करें तो इन लोग खिलाड़ियों की सूची जो इस प्रकार है। सिंधुलाल मुंडारी कप्तान की भूमिका में जर्सी नंबर 10 में बने हैं। समीर सोई गोलकीपर की भूमिका में, पुंडी लोहन जर्सी नंबर 15, कैरा मूर्ति जर्सी नंबर 00, आनंद होहागा जर्सी नंबर 16, बोरोपुर्ति जर्सी नंबर 7, लादू लुगिन जर्सी नंबर 27, अविनाश लोहार जर्सी नंबर 00। ये सभी ब्रेकअप एफसी के टीमों को लिस्ट है। मैं बता देना चाहता हूं ये जो खिलाड़ी है आईसीएल में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, हीरो इंडिया टूर्नामेंट में भाग ले चुके हैं, इस समय जर्सी नंबर 5 में कप्तान की भूमिका में मौजूद है।
इस तरह मुन्ना ब्रदर्स की टीम 2-0 से बढ़त बनाई हुई है। दूसरे चक्र के दूसरे मैच के लिए विजय रहेंगे बीजेएफसी, उसके मुकाबले राम एंड राम ब्रदर्स। इन दोनों ही टीमों के कप्तानों से आग्रह रहेगा कि वे जैसे ही दूसरे चक्र के प्रथम मैच समाप्त होगी आप अपने खिलाड़ियों को लेकर मैदान में प्रवेश कर जाइएगा। जानो कहीं मिसे ची हेलो। सेकेंड राउंड का सेकेंड मैच बीजेएफसी बनाम राम एंड राम ब्रदर्स। आप ही अपना प्लेयर्स को रेडी करके रखेंगे। हेलो श्याम बोत्रा जी, आप मंच में चले आएंगे। श्याम बोत्रा हेलो। दूसरे राउंड का
दूसरे मैच के लिए बीजेएफसी वर्सेस राम एंड राम ब्रदर्स। इन दोनों ही टीमों के कप्तान से आग्रह रहेगा, जैसे ही द्वितीय मैच की प्रथम मैच समाप्त होगी, आप अपने खिलाड़ियों को लेकर मैदान पर प्रवेश कर जाएंगे। इस समय जो टीम मैदान में बनी हुई है, मुन्ना ब्रदर्स टोंगोडोला शिकेबी, उसके मुकाबले ब्रेकअप एफसी, जिसमें मुन्ना ब्रदर्स टोंगोडोला शिकेबी की टीम इस समय 2-0 की शानदार पारी बनाए हुए हैं। लेकिन बॉल से टकरा कर रिटर्न, द्वितीय राउंड का द्वितीय मैच के लिए बीजेएफसी वर्सेस राम एंड राम ब्रदर्स। इन दोनों ही टीमों के कप्तान से आग्रह रहेगा, वो अपने खिलाड़ी को लाइन अप करा देंगे। जैसे ही ये द्वितीय चक्र का प्रथम मैच समाप्त होगी, आप अपने खिलाड़ियों को मैदान में प्रवेश करा दीजिएगा। आज का जो द्वितीय चक्र का तृतीय मैच होगा, तुर्तुंग यूथ क्लब
टोंटोसाई उसके मुकाबले 000143 इन दोनों ही टीमों के मैनेजरों से भी आग्रह रहेगा कि वो भी अपने खिलाड़ी को वार्म अप कराते रहेंगे। जैसे ही द्वितीय चक्र का तृतीय मैच समाप्त होगी द्वितीय मैच समाप्त होगी अपने खिलाड़ियों को लेकर मैदान में प्रवेश कर जाइएगा। इस समय द्वितीय चक्र की प्रथम मैच चल रही है। मैदान के मुकाबले बने हुए हैं दोनों ही टीमें नन्ना ब्रदर्स वर्सेस ब्रेकअप एफसी, जिसमें नन्ना ब्रदर्स की टीम इस समय 2-0 की बढ़त बनाई हुई है। इस समय जिस खिलाड़ी ने गोल डाले हैं खिलाड़ी हाथ पकड़ देंगे। ब्रेकअप एफसी ने अभी अभी फिलहाल एक गोल डाले हैं, फिर भी वे एक गोल से पिछड़ रहे हैं। यदि बराबरी करने का मौका है तो निश्चय ही और कड़े मुकाबले करने होंगे। Thank you.
सेकंड राउंड का द्वितीय मैच बीजेएफसी वर्सेस राम एंड राम ब्रदर्स। इन दोनों ही टीमों के कप्तान एवं उनके टीम मैनेजरों से आग्रह है कि वे अपने खिलाड़ी को लाइनअप बना देंगे। जैसे ही द्वितीय चक्र की प्रथम में समाप्त होगी, आप अपने खिलाड़ियों को लेकर मैदान में प्रवेश कर जाइएगा। प्रथम चक्र की जो अंतिम मैच हुई थी बीएफएफसी वर्सेस ब्लैक रिवर्स लोकल बॉल, इन दोनों ही टीमों के बीच प्रैक्टिस शूट आउट बाहर में किया गया था। कृपया संचालक महोदय से आग्रह है कि रिजल्ट बता देंगे, हमें रिजल्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। हेलो, बाद में जो पेनल्टी शूट आउट सुपर ओवर का जो मैच खेला गया था, बिल्कुल बिल्कुल ब्लैक लोकल बॉयज के टीम सेकंड राउंड पर जगह सुनिश्चित किए हैं और बीआरएफएफसी की टीम अच्छे मैच जरूर खेली थी, इसके कारण बाहर में पेनल्टी शूट आउट सुपर ओवर हार का सामना किए हैं। काफी दूर की टीम थी, पुनः एक बार कबड्डी परिवार से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा। अगले तक पुनः एक बार आपको मौका दी जाएगी। अच्छी बात विक्रम किसको, यहाँ पर वॉल खेलने के प्रयास की जा रही थी विक्रम किसको के द्वारा, यदि काफी दिनों के बाद इससे कल्याण मणिपुर टूर्नामेंट पर पार्टिसिपेट किए हैं। सुशील किसको के छोटे भाई बिल्कुल फेस मिलता हुआ और हमेशा सुशील किसको इस फुटबॉल टूर्नामेंट पर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन बड़े नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट दूसरे जगह चल रही इस कारण पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। उनके छोटे भाई जर्सी नंबर 7 विक्रम किसको पार्टिसिपेट किए हैं मुन्ना ब्रदर्स टोकटोला फुटबॉल क्लब से। बिल्कुल यहाँ पर ब्रेकअप एफसी बचा बचा समय पर अच्छी पास तो नहीं रोक पास देखने को मिला, लोगों को आनंद हो रहा है। जैसे टीम अपनी टीम के लिए बेहतरीन गोल लाके थे फर्स्ट राउंड पर और अभी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सामने की कमी नजर आता हुआ ब्रेकअप एफसी की ओर से। हेलो, चलिए अच्छे गोल लागे थे आनंद होना का, फर्स्ट राउंड पर भी अच्छे गोल लागे थे आनंद होना का। चलिए मैच में हार जीत लगे रहती है जर्सी नंबर 16।